प्रियंजल, are you okay? मुझे चक्कर आ रहे। You want water? नहीं, रूम में जाना है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। Don't worry, I'll take you up. बस थोड़ी सी थकान होगी, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, आई एम श्योर यू विल फील बेटर। कम सिट, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूं। सबसे कहा था ना कि आप प्लीज उन पे हावी मत होना। वो कोलैप्स इसलिए हुई है क्योंकि आप सब लोगों ने उन्हें ओवरस्ट्रेस कर दिया है। ओवरस्ट्रेस? प्लीज, यहाँ पे प्रिया आंटी की फैमिली है तो हमें पता है उनसे किस तरह मिलना चाहिए, इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थी और तुम बोल रहे हो कि उनकी इस कंडीशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। आई मीन, उनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई है ना, तो आइडियली ये क्वेश्चन हमें तुमसे करना चाहिए कि मॉम कोलैप्स क्यों हुई। यही बात तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कोलैप्स इसलिए हुई है क्योंकि आप सब लोगों ने उन्हें स्ट्रेस दिया है। वो एक पेशेंट है, उन्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा एंड यू हैव टू गिव हर दैट टाइम। इतना स्ट्रेस, इतना एक्साइटमेंट वो हैंडल नहीं कर पाएगी। आप लोग ऐसे उन पे गिरेंगे। अच्छा शट अप प्लीज, हम लोग अपनी मॉम के साथ सिर्फ पिक्स क्लिक करा रहे थे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट शी इज योर मदर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक पेशेंट है, आपको उन्हें रिकवर करने का टाइम देना होगा। शी इज करेक्ट। आई मीन, मैं जानता हूँ कि हम सब यही कोशिश कर रहे थे कि वो बेटर फील करे, बट वी शुडंट फॉरगेट कि प्रिया एंजल अभी अभी कोमा से बाहर आई है एंड शी विल टेक सम टाइम टू रिकवर। पियू, इतना गुस्सा क्यों? आई जस्ट डोंट लाइक हर। मैंने हमेशा इतना प्यार किया अपनी मॉम से। आई नो मेरे मॉम के साथ जो भी टर्म्स रहे हो, लेकिन वो मेरी मॉम है। आई जस्ट हेट द वे शी एज इफ मॉम की लाइफ पे सिर्फ उसी का राइट और मॉम की लाइफ को उसने टेक ओवर कर लिया। वो क्यों डिसाइड कर रही है मॉम के लिए सारे रूल्स? मॉम डजंट इवन नो हर। अब क्या सारी बातें हम उसके हिसाब से करेंगे कि मॉम के लिए ये करो या वो करो? प्लीज काम डाउन, जो कुछ भी करिए प्रिया आंटी, ये हेल्थ के लिए करिए, राइट? हाँ, वो थोड़ी सी एरोगेंट है, आई एग्री विद यू। अब अंदर चले। मुझे नहीं चलना। यू ओ सॉरी, मैंने उठा दिया। सॉरी, मैं आजकल एप्पल बहुत खाता हूं, तुम्हें पसंद है। मेरे कपड़े मैंने बताया। आपने? रिलैक्स, मैंने आंख बंद करके बदले। लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, फिर आई हैड टू चेंज योर क्लोथ। एक मिनट, ओके, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ओके? मैं चाहता था कि तुम्हें टॉवल दे दूं, लेकिन तुम होश में नहीं थी, यू कुड बेली स्टैंड, इसीलिए। तो सफाई क्यों दे रहे? शिकायत थोड़ी कर। और उस वक्त तुम इतनी शर्माई थी कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फिर कभी अगर ऐसा करना पड़े मैं आंख बंद करूंगा। नाइस टॉक टू माय फ्रेंड। ओके, डोंट वरी, तुम आराम से यहां सो, मैं सोफे में सो जाता हूँ। आई एम ओके विद दैट, सीरियसली। नहीं, आप सोफे पे क्यों सोएंगे? सो दैट यू आर लिटिल मोर कंफर्टेबल। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से आपको बेकार में। I'm very sorry, वो एक तो कुछ याद नहीं है और फिर आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट, लेट्स मेक वन थिंग क्लियर, मैं कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, मेरे से बात कर रही हो, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। I don't care about anything else. इसलिए I swear to you, मैं कुछ नहीं सोचा। Just relax. तुम यहाँ पर आराम से सो। I'll be fine on the sofa.
अरे देखो आई एम सो हैप्पी कि मैं चाहे बिस्तर में सोऊं, सोफे में सोऊं या पंखे के ऊपर सोऊं, आई स्वेयर आई विल बी ओके. यस. ये क्या करे आप? नेजल स्ट्रिप, ताकि मैं खराटे नहीं मारूं और तुम डिस्टर्ब ना. अरे नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप लीजिए खराटे. क्यों? क्योंकि मैं सोना नहीं चाहती. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब डर लगता है सोने से. सब लोग कह रहे हैं 7 साल के बाद उठी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बार बार मेरी नींद टूटे. बहुत सारा शोर, बहुत सारी आवाजें सुनने का मन करता है, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप घराटे लेंगे तो. ठीक है, नहीं लगाऊंगा. ओके okay. तुम आराम से सो, आई बी फाइन. ओके. खराटे कौन मार रहा है? डैड खराटे ले रहे. आज पहली बार ना मेरा गोलू ना इतने सालों के बाद चैन से सो रहा है. देखिए प्रिया को 7 साल हो गए इस घर में आए हुए, आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए. और क्या पता इस घर में आकर उसे सब कुछ याद आ जाए. देखिए इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा. हाँ आप प्रिया बच्चे सब आ रहे हैं आज लंच पर. बस सही कह रही हैं. ठीक, हम लोग जरूर आए. थैंक यू, बाय. तो राम और प्रिया आ रहे हैं घर पे? हाँ क्यों नहीं आएंगे. देखिएगा आज तो मैं प्रिया की पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी. जब से प्रिया कोमा से बाहर आई है ऐसा लगने लगा है कि जैसे रुकी हुई जिंदगी फिर से चलने लगी है. अब देख धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ सुधीर, हमेशा से प्रिया ने हमें संभाला, अब हमारी बारी है उसे संभालने की, है ना? मुझे ना सीरियसली ऐसा लगता है कि हमें मॉम के लिए कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए. यू नो आई मीन हम उन्हें लोनावाला वाले फार्म हाउस पे ले जाते या कोई और एक्साइटिंग जगह, और हम क्या कर रहे हैं उन्हें नाना नानी के घर ले जा रहे. कम ऑन यार. एग्जैक्टली खुश भैया, हमें ना कुछ बहुत एक्साइटिंग करना चाहिए जिससे मॉम एकदम खुश हो जाए. Like something different. That's what. But क्या करें? Ready? Hello. I'm ever ready, Ray. God, तुम लोग please इसके पीछे पे हंसना बंद करो. तुम ऐसे हंसते हो ना इसलिए और ऐसे stupid jokes मारते हैं. Hello, hello, hello. तुम please jealous होना बंद करो, okay? I'm the star और ये सब मेरे fans हैं. तो तुम मेरे और मेरे fans के बीच में आना बंद करो. Mom, Dad, let's go. Let's go, Come on, Dad. कोई आएगा? दादी मेरे गाँव. दादी आपने खाना बनाना शुरू कर दिया? बस बेटा थोड़ा सा बचा है. क्यों तुझे भूख लगी है? नहीं दादी, मैंने ना इंटरनेट से कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज निकाली है. आप इनमें से कुछ बनाओ ना, कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना. अच्छा देखो ऐसी कौन सी अनोखी रेसिपीज निकाली है? ये है दादी, वेजिटेबल ऑ ग्रेटिन. वेजिटेबल ऑ ग्रेट, ये तो दादी फुल फ्रेंच स्टाइल है. अरे ये तो मिक्स वेजिटेबल है. अरे फ्रेंच लोग तो हर चीज में चीज ही डाल देते हैं और अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट कुक बताते हैं. हम हिंदुस्तानी, अरे हमारी वो पंजाबी कड़ी वो जरा खा के देखें, और वो गट्टे की भाजी, और वो क्या बोलते हैं वो दाल और भाटी. ओके आप ना ये ट्राई करो, स्पेनिश रिकोटा. स्पेनिश
रिकोटा। अरे ये तो पालक पनीर है, ये तो मैंने बनाई है ना बेटा। तू पकड़िए, पकड़ तू सही, मैं तेरे को थोड़ा सा टेस्ट करा के दिखाती हूँ। दादी ना ना बेटा, तू जरा टेस्ट करके देख, दादी पता चले। नहीं सही, खाके तो देखना बेटा। आपके साथ मैं चलूंगा, क्योंकि सार तो मैं हूं ना, ये लोग नहीं आएंगे। डोंट वरी। नो डैड, प्लीज डोंट कम। ए ए हेलो हेलो, ये गाड़ी है, ट्रेन नहीं है। एग्जैक्टली, ट्रेन थोड़ी है। नो गाइस शट अप। आप एक काम करिए, आप मॉम को लेके इस कार में जाइए, हम चारों दूसरी कार में। दैट्स माय सेंसिबल चाइल्ड। सीखो को जिससे। कम ऑन न्यूदी, दैट्स नॉट फेयर। मुझे नहीं जाना है दूसरी गाड़ी में, तुम लोगों को जाना है। मैंने पर हमको नहीं करनी मस्ती, मैं तो अपनी गाड़ी में जाता हूं। हमारे मॉम डैड दुनिया के बेस्ट मॉम डैड है। जाना है ना? हाँ, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए प्लीज लिफ्ट से चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं प्रिया, कैसी हो तुम? इतना अच्छा लगा तुम्हें देख के। पता है संजना मेरी पोती को बेटी हुई है। अरे आंटी के बैग से उठाइए ना। तुम मुझे दिन? नहीं, बैग से बात करें। excuse me, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, वो मैं बैग से बात करें। उठाइए ना बैग। जी चल, मैं को आई। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये बैग बहुत हैवी है। नहीं आप, आपकी वजह से ही हुआ है, वरना ऐसा क्यों होता कि जब भी आप यहाँ आते हैं तभी ये लिफ्ट रुकती है, है ना आंटी? और फिर आप आंटी की हेल्प भी नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये तुम्हें याद है? यू रिमेम्बर? औरतों को सब याद रहता है, भूल तो मर्द जाते हैं। आंटी एक मिनट, जस्ट वन मिनट। ये याद है तुम्हें? ये लिफ्ट। हाँ यू आर राइट, जब भी मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ ये लिफ्ट रुकती है। यू रिमेम्बर? मेरा फ्लोर आ गया थर्ड फ्लोर। खुश रहो, तुम्हें तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ इतने साल रहने के लिए। आइए। परमवीर चक्र तो इन्हें मिलना चाहिए फॉर बीइंग अराउंड सो लॉन्ग। हमें कौन से फ्लोर पे जाना है? फोर्थ, एक ही फ्लोर ऊपर। तो
हम लोग भी चल के चलते हैं ना? क्यों? मतलब एक ही फ्लोर है और थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी. आई मीन आपको तो जरूरत भी है थोड़ा. नहीं एक्चुअली मैं फिर से नीचे जाना चाहता हूं. नीचे क्यों? ऊपर जाना है ना. अभी अभी जब नीचे से ऊपर आ रहे थे तुम्हें कुछ याद आया तो एक बार और ट्राई करते हैं ना, शायद और कुछ याद आ जाए. अरे कुछ याद है? क्या हुआ? ये प्रिया ऐसे हंस रही थी. सुधीर जी अभी लिफ्ट में प्रिया को कुछ कुछ याद आ रहा था. अरे मायरा, वैसे कैरम बोर्ड. मॉम मैं कैरम बोर्ड देके आती हूँ. कम फास्ट. हेलो. मैं मिस्टर राम कपूर से बात करना चाहता हूँ. वो मेरा चेक पेंडिंग है इस सिलसिले में. वो फोन है राम के लिए. मॉम आई टेक इट. हेलो. अगर आज चेक नहीं मिला तो हम लोग सिक्योरिटी मनी वापस नहीं कर पाएंगे. डैड किसी का फोन है कोई चेक के बारे में. बुला लो ना. एड्रेस दे दो. मैं आ रहा हूं. ओके डैड. हेलो. हाँ द एड्रेस इज 4th फ्लोर. किसका फोन था? वो लेके गई है पता नहीं. सॉरी आपका फोन यहाँ पे था रिंग कर रहा था मैंने उठा लिया. आवाज दी तो आपने सुना नहीं. सॉरी. व्हाई आर यू सॉरी? तुम मेरा फोन कभी भी उठा सकती हो यार. दिस इज सीक्रेट्स बिटवीन अस. दिखाई ना के लिए मैंने अपनी प्रिया के लिए संभाल के रखा है. बस उसी को दिखाऊंगी. हाँ प्रिया देख ये कौन है. अरे तू नानी. हाँ. मॉम के पास हमें भी दिखाइए ना. ये देखो ये. नैना मैं पीहू बात कर रही हूँ. जूही माँ कैसी है? शी इज फाइन. अरे नैना मैं वो किसे बात कर रही है? पीहू से. चूंस्टो. हाँ पीहू बोल. हाय जूही माँ. एक्चुअली हम लोग सब नानी के घर लंच के लिए आए हुए हैं. आप दोनों भी आ जाओ ना. पीहू मैं एक्चुअली मुझे बहुत काम है यू नो पीहू. अब ये सब अब मैं आ नहीं पाऊंगी एक्चुअली. कम ऑन जूही माँ पहले भी तो कितनी बार आ चुकी हो ना. आ जाओ ना बस लंच ही तो करना है साथ में. हाँ लेकिन पीहू पहले बात कुछ और थी. किससे बात कर रही है? वो मैं जूही. वो मैं नैना से बात कर रही थी. मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि हमें लंच के लिए ज्वाइन करें पर वो लोग मान ही नहीं रहे. मुझे दे फोन. जूही. प्रिया तुम आ क्यों नहीं रही हो यहाँ पे? पता है सब लोग तुम्हारे बारे में कितनी बातें करते हैं. सबने मुझे बताया कि जब मैं कोमा में थी तुमने ख्याल रखा. मैं तुमसे मिलके थैंक्स बोलना चाहती थी. और सब यहाँ पर हैं बस तुम ही नहीं हो. आई नो थैंक्स काफी नहीं है बट तुम फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना. आ जाओ ना. ओके प्रिया आई विल ट्राई. ओके बाय. थैंक्स. आ रही है. वाओ दैट्स ग्रेट. थैंक्स. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.